ये कह रहे हैं मैं पहली बार कनाडा में इतनी स्नो देखी है मैंने। इससे ज्यादा बढ़िया तो हल्दीराम है, बट यहाँ के कह रहे हैं कि मटर कुलचा और छोले भटूरे दिल्ली जैसे हैं। अंकल ने पनीर मोमोज पास कर दिए। हम रिव्यूज पढ़ के आए थे कि एक एक घंटा वेट करना पड़ता है। अंकल कह रहे हैं कि आटा गूंद के बना रहे छोले भटूरे। अब सब कुछ ट्राई कर ही रहे थे, बोल रहे दाल मखनी भी बहुत स्वाद है। भले टाइम लगा लेकिन बहुत टेस्टी है छोले भटूरे। तो आज हम आए हैं ब्रैम्पटन बिकॉज हमारे फ्रेंड के पापा आए हुए हैं, जिनके साथ आपने व्लॉग्स भी देखे होंगे। तो वो ब्रैम्पटन अभी तक नहीं आए और मे बी जो फ्रेंड है हमारे वो भी नहीं आए, मनप्रीत। और हमें पता चला कि बीकानेर वाला ब्रैम्पटन में खुल गया और उसके छोले भटूरे का टेस्ट बिल्कुल दिल्ली वाला है। तो स्टार्ट वहां से करेंगे, फिर उनको ब्रैम्पटन पूरा घुमाएंगे जो जो मेन मेन स्पॉट्स हैं। बट सबसे पहले पेट पूजा। मुझे अच्छा लग रहा है बीकानेर वाले में आके, बट सबका रिव्यू लेते हैं बिकॉज सबको अपना अलग फीडबैक देना है। मुंबई वालों का अलग होगा, दिल्ली वालों का अलग होगा। पहले मनप्रीत से पूछता हूँ कैसा लग रहा है। दिल्ली वाली फील आ रही है और रश देख के लग रहा है कि भाई कुछ तो बढ़िया है। मतलब खुले हुए 2-3 महीने में अभी। दिल्ली वाले बताएंगे कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो हल्दीराम है। इससे ज्यादा बढ़िया तो हल्दीराम है। यहाँ पे इतनी देर अगर लाइन में लगना है तो फायदा क्या। आप मुंबई वाले का लेंगे, आप मुंबई वाले का फीडबैक। मुंबई में तो बीकानेर एक्चुअली फेमस है। हम छोले भटूरे खाने जाते हैं क्योंकि हमें वो दिल्ली टाइप छोले भटूरे मिलते नहीं, तो एक मुंबई वाला ही छोले भटूरे जहाँ पे बीकानेर में छोले भटूरे। और मुंबई में दो है, बीकानेर और बीकानेर वाला। तो यहाँ का देखते हैं कैसे टेस्ट आता है। आई गेस बीकानेर अलग अलग है, दोनों अलग अलग। बट यहाँ के कह रहे हैं कि मटर कुलचा और छोले भटूरे दिल्ली वैसे है। मटर कुलचा आ चुका है तो है ना, जो रेडी वाले अंकल वो क्या होते हैं वो मटका सा पीते हैं वाले। और इधर एक अलग चीज मिली है, अनियन कुलचा और ब्लैक दाल। अब वो मैंने कभी खाई नहीं है। अनियन कुलचा तो खाया हुआ है बट ब्लैक दाल के साथ अनियन कुलचा फर्स्ट टाइम खाऊंगा मैं। अमृतसर में मिलता है। करेक्ट करेक्ट। अंकल पहले बताएंगे मटर कुलचा कैसे दिल्ली वाले। ये ऐसे लग रहा है जो तिलक नगर में हमारे बेचते हैं ना, वो मटके लगा के। हाँ। उस टाइप का लग रहा है। हाँ, तो वही वही तो हाँ। जो मतलब ओम वगैरह का। हाँ। कंपेयर ओम से कंपेयर नहीं। ओम स्वीट सिंगला। हाँ, मतलब अगर साइकिल वाले जैसा अगर है टेस्ट तो बहुत बढ़िया है। साइकिल वाले चाहिए था एक्चुअली। चलो ये बताओ टेस्ट आप। अंकल कह रहे हैं साइकिल वाले और रेडी वाले थे, मुझे वही चाहिए। तो अगर वही है तो बहुत अच्छी बात है, टेस्ट करती हूं। झूठ नहीं बोलना। काफी क्लोज है, बस एक नंबर काटो बिकॉज उन्होंने अचार नहीं दिया, वो मिर्च का जो साथ में होता है। आप बताएं। नहीं नहीं, मेरे को बहुत टेस्ट लग रहा है, मैं वो मिर्ची अचार खाती नहीं थी, मेरे लिए तो परफेक्ट है। अंकल से पूछना है कि ये इंडिया जाके सबसे पहले क्या खाने वाले हैं वहाँ पे, यहाँ का स्वादिष्ट खाना खाने के बाद कनाडा का। बिटिया ने मेरे लिए चिली चिकन, चिकन 65 और एक और कौन सा रात को कह रही थी, मलाई टिक्का। यानी ये दूसरी अवी की बात कर रहे हैं, मेरी भाभी की। दिल्ली में अवी इंतजार कर रही है बनाने के लिए, कहती है पापा के आते ही रात का डिनर तैयार करना है। बाहर जाके बाहर से तो ये छोले भटूरे ओम के खा के आने बहुत टेस्टी थे। एक बार खाओगे याद करोगे। अंकल ने पनीर मोमोज पास कर दिए, पनीर मोमो अच्छा लगा। पनीर मोमो पास, यही आप कह रहे थे नहीं ट्राई करते हैं। देखा मिस हो जाता। मैं भी टेस्ट करके बताओ। आरो भी हंस रहा है। ट्राई करना था, अलग अलग होगा। हाय आरो, वन कैसे लगे? चलो समोसे तो हमें ब्रैम्पटन में बहुत जगह मिल ही जाते हैं, बट फिर भी ट्राई कर लेते हैं। अंकल जी ने बहुत समोसे खाए हैं आज बीकानेर, बहुत ज्यादा। आपने यहाँ भी 2-3 जगह ट्राई कर ही लिए। पापा जब से कनाडा आना चाह रहे थे ना, उनको था कि मैं बरार के समोसे जरूर खाऊंगा क्योंकि उन्हें ब्लॉग्स में देखा हुआ था कि मुझे बरार के समोसे खाने। सबसे बढ़िया बरार के लगे आपको? नहीं, अच्छा अंदर मसाला सूखा हुआ है। मसाला सूखा हुआ है जैसे ये मतलब हेयर गोज में बरार की स्पॉन्सरशिप। अब ये बरार से बढ़िया है। बढ़िया, चलो बरार से बढ़िया वाले समोसे मिल गए। अब इससे लेनी पड़ेगी स्पॉन्सरशिप। एक्चुअली मैंने हमने कल ही एक बहुत बढ़िया जगह से समोसे खाए हैं, तो उससे बेटर है ये। सही है ना? अच्छे हैं, बढ़िया। तो आधे घंटे हो गए हमें छोले भटूरे का वेट करते हुए, और ये हम रिव्यूज पढ़ के आए थे कि एक एक घंटा वेट करना पड़ता है। एक एक करके आइटम आ रहे हैं, हमने सारे खत्म कर दिए। छोले भटूरे में टाइम लग रहा है बिकॉज हर कोई छोले भटूरे यहाँ पे ऑर्डर करता है। अंकल कह रहे हैं कि आटा गूंद के बना रहे हैं छोले भटूरे। एक घंटे से आटा गूंद रहे हैं या फिर छोले ताजे बना के भेज रहे हैं। जितने कस्टमर आएंगे उतने छोले बनाएंगे, इससे ज्यादा उन्होंने बनाने नहीं है। एक रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पे सब फ्रेश मिलता है इसलिए एक घंटा लग रहा है। जैसे आपने नहीं, छोले भटूरे अगर आप कर रहे हो यहाँ पे आके ऑर्डर, एक घंटा लगेगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। घर से अपना पैक करके लेके आए कोई ना कुछ खाने के लिए स्नैक्स। घर से खाना खा के आओ।
हाँ जी, जो अंकल कह रहे थे ना वो सच हो गया। अभी बंदा आया बताने मैनेजमेंट का कि आटा एक्चुअली में वो गूंद रहे हैं क्योंकि खत्म हो गया, छोले भटूरे का आटा ही खत्म हो गया। तो हमने तो मजाक किया था बट एक्चुअली में वो गूंद रहे हैं। उनको इतना पता नहीं था कि दिल्ली वाले आए हुए हैं, भटूरे छोले 10 प्लेट का आटा दे देंगे। तो उन्होंने 10 प्लेट सुनते ही सारा होटल आगे पीछे भागने लगा। बट वो कह रहे हैं अभी हमने लॉन्च भी नहीं किया और इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, इतने लोग आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। मे भी थोड़ा आगे भटूरे नहीं छोले पापा ये भी आपका ही है। अंकल सही है, आज बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं फूड का। आप अंकल ट्राई कर रहे हैं अमृतसरी कुलचा? अमृतसरी कुलचा और छोले सही है। अमृतसरी जेड़े तुसी अमृतसरी च खांदे हो ओदा टेस्ट है, सेम टेस्ट है वो अमृतसर वाला? नियर अबाउट। बहुत अच्छा, बस इनका दुनिया बड़ा गंदा लगता है, बाकी मुझे अच्छा लगता है। बट पंजाबी बाय नेचर से बेटर है, मैं खा के बताती हूं। उससे बेटर लगता है, मुझे बेटर लग रहा है। अमृतसरी कुलचा तो एक्चुअली बेटर है, बहुत टेस्टी है, मजा भी टेस्टी है। क्योंकि कुलचा ना ड्राई नहीं है, थोड़ा सा है मतलब ऑयली ऑयली है। हां एंड छोले बहुत टेस्टी है, इतना मॉइस्ट है ना कुलचा, अंदर से सॉफ्ट है, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा। Thank you so much. Finally, one thing it came after so many years. पता है क्या? एक बात बताऊँ, इनके पास ना इनकी कटलरी की प्लेट्स ना सारी झूठी हो गई है, इसलिए भी इन्होंने हमें पेपर प्लेट में दी है। अच्छा, लग रहा है पेपर प्लेट पे आ गए। पेपर प्लेट अब सब कुछ ट्राई कर ही रहे, तो ये बोल रहे दाल मखनी भी बहुत स्वाद है, ट्राई करो। किलर है, मतलब छोले भटूरे भी फेल है, दाल मखनी इतनी टेस्टी है ना, इतनी टेस्टी है। फाइनली छोले भटूरे के रिव्यू, भले टाइम लगा लेकिन बहुत टेस्टी है छोले भटूरे। दिल्ली वाला फील दे रहा है, इन्होंने अपना नाम मेंटेन किया। भटूरे पतले नहीं है, ठीक ठाक फ्लफी है, कैसे वेरी क्लोज टू दिल्ली वाले। तो आपके छोले भटूरे की खोज खत्म हुई फाइनली? नहीं नहीं, वो नहीं मिलेगा ना, दिस इज लाइक 4 out of 5। 4-star रेटिंग करेक्ट है, छोले अच्छे है पर दाल मखनी इज रियली गुड, बहुत अच्छी है। अगर इसे यार नान खाया जाए ना दाल मखनी के साथ, एक्चुअली एक्चुअली मतलब अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मैं दाल मखनी और नान लच्छा परांठा के साथ, मतलब छोले से भी ज्यादा टेस्टी दाल मखनी है अगर आप ट्राई करो। और ये पेड रिव्यू नहीं है, सब जेन्युइन अपना बता रहे हैं, क्योंकि जब कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है ना हम आके अनपेड रिव्यू देते हैं, फिर बाद में आके लोग पेड रिव्यू देते हैं। और ये कटिंग चाय भी आई है, हमने शुगर साइड में डलवाई है क्योंकि सबकी प्रेफरेंसेस अलग अलग है। कटिंग चाय का कॉन्सेप्ट ना मुंबई का है, तो इसका मतलब होता है आधी चाय, लेकिन अब वहाँ पे पूरी चाय तो थी नहीं। सिर्फ कटिंग, अब मुझे अगर पूरी चाहिए चाय नहीं मिलेगी। तो इन्होंने कटिंग चाय का ऑर्डर लिया है लेकिन चाय पूरी डाल के दी है, तो बॉम्बे वालों को लगेगा कि यार तो पूरी चाय मिलेगी कटिंग चाय के रेट में। इतनी भीड़ है, दो लाइन है, एक लाइन लगी हुई है टेबल असाइन होने की, फिर दूसरी लाइन लगी है जिसमें आप ऑर्डर करोगे। पीछे हमारे पीछे टेबल असाइन होने की लाइन है, उसमें हम लगे थे और लंबी हो गई है। और कई लोगों ने ये सोचा कि एक जन यहाँ खड़ा होगा और एक जन वहाँ खड़ा होगा, वैसा भी नहीं कर सकते, लेकिन वैसा नहीं कर सकते। जब तक आपको टेबल नंबर नहीं मिलेगा आप ऑर्डर नहीं कर सकते, डेढ़ छाड़ा नहीं बनना है, वो स्ट्रेटजी चलेगी। तो बीकानेर वाला एक्सपीरियंस वॉज गुड, आना है आपको, थोड़ा टाइम निकाल के आना क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। 3-5 बंद होता है क्योंकि फिर वो प्रिपेयर करते हैं अपना सब कुछ, बहुत ज्यादा वो कह रहे हैं ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, इतना जल्दी अभी इन्होंने लॉन्च सॉफ्ट लॉन्च किया, प्रॉपर लॉन्च भी नहीं किया, सब कुछ अच्छा, चाय थोड़ी सी आई वुड से बेटर हो सकती थी, मतलब छोटे मोटे चीजें चलती है, बट आप सब कुछ ट्राई करना, बहुत चीजें हैं, पनीर मोमोज एक्सपेक्ट नहीं किया था, पनीर मोमोज अच्छे होंगे, दाल मखनी अच्छी है, सो इट्स वर्थ ड्राइविंग फॉर 60 मिनट्स बिकॉज ये ब्रैम्पटन के बिल्कुल कोने में जाके है। अब अंकल को दिखाते हैं हम गुरुद्वारे, बिकॉज ब्रैम्पटन में नहीं आया, गुरुद्वारा भी उन्होंने नहीं देखा है, और यहाँ पे बहुत एक पॉपुलर गुरुद्वारा है और उस गुरुद्वारे के आसपास मार्केट भी है, तो वहाँ पे चलते हैं। अंकल जी से पूछें गुरुद्वारा कैसा लगा ब्रैम्पटन का? बहुत अच्छा गुरुद्वारा लगा जी, हाँ जी, देख के मजा आ गया, यहाँ पे जो लोग सेवा कर रहे हैं तन मन धन से, 24 आवर सर्विस है, इससे बढ़िया कोई लंगर हमने शकना नहीं था, लेकिन फिर भी चाय चाय पी, इतनी बढ़िया थी चाय, मजा आ गया, दो बार पी ली। और जो दाल सेवी और बूंदी, क्या आपको यहाँ से दिल्ली के गुरुद्वारे से क्या डिफरेंट लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है जी, लंगर सिस्टम और हर चीज जो है ना अपने आप सिस्टमेटिकल है, कोई किसी को
धक्के नहीं मारता कोई अच्छा। किसी को कुछ नहीं हाँ। अपना क्यू में लगे हैं हाँ। जिसका नंबर आएगा अपने आप डालता जाओ, कोई टेंशन नहीं है। सही है, किसी की वेट नहीं करनी। और शॉप्स कैसी लग रही हैं आपकी? आप शॉप्स तो पूरा मतलब बढ़िया लग रही है, कनॉट प्लेस जैसे लग रही है, जैसे पालिका बाजार में है। अभी चलते हैं शॉप्स दिखाते हैं। पहले जैकेट पाला, अभी ठंड वंड लग जाएगी। पापा निकले हीरो बन के, पहले ठंड लगी लेकिन पापा को अभी जैकेट पहननी पड़ रही है। अभी जैकेट पहननी पड़ गई है, अभी तो हवा नहीं चल रही है। अगर हवा चल रही होती तो फिर फील्स लाइक होता माइनस समथिंग। एक डॉलर स्टोर में है डॉलर प्लस, उसमें बैट मिल रहे। बैट बैट है ना? हाँ, बैट एंड देयर इज साइकिल। कैरम बोर्ड शुड बी $5 और $4। अगर ये मिल जाता है $10-$20 का तो ले लेते हैं। $20 का तो ये इंडिया में नहीं बेच रहे। 100-150 का, 100 का होगा। तो कैरम बोर्ड बहुत सस्ता है यहाँ पे, 70-60, बिकॉज और जगह पे $150-$150 के मिलते हैं। जो बाइसिकल है वो यहाँ पे रिपेयर भी होती है और यूज्ड मिलती है। तो निर्वाण की साइज की $40 की मिलती थी, विच इज गुड। यूज थी, बट वही है कि और रिपेयर भी करती है। यहाँ पे बाइक खाली 3 महीने चलती है, उसके बोला तो $40 की सेकंड हैंड लेके चला के फेंक दो। और वैसे भी एवरी ईयर लेनी पड़ेगी क्योंकि बच्चा जैसे साइकिल का साइज भी चेंज, बाइक का साइज भी चेंज होता है। तो मैंने चांप ले ली बिकॉज हमारे वहाँ पे स्टोर पे मिले ना मिले। अब अंकल को लेके जा रहे हैं चिंगूजी पार्क, जो ब्रैम्पटन का बहुत फेमस पार्क है, और कुछ ना कुछ वहाँ पे विंटर एक्टिविटी हो रही होगी। डू वी हैव चांप एट होम? तो यहाँ पे 5-6 ब्रांड की मिल रही थी, तो मैंने एक मुझे जो जाना पहचाना लगा, आई थिंक हम इसी की लेते हैं, तो ले ली मैंने। हाँ वो तो कह रहे सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। एंड चिंगूजी पार्क में भी आई एम होपिंग कि गर्मियों में बहुत एक्टिविटीज होती है वहाँ पे, लेकिन विंटर में भी बच्चों के लिए बहुत कुछ होता है, ट्यूबिंग वगैरह होती है विंटर एक्टिविटीज। बट इस बार प्रॉब्लम ये है कि ठंड ढंग से नहीं पड़ रही, तो सब कुछ मेल्ट हो जाता है, स्नो मेल्ट हो रही है। सो आई डोंट नो वहाँ पे वो सब एक्टिविटी हो रही नहीं हो रही, जाकर चेक करते हैं। सो चिंगूजी पार्क में आए, जैसे मैंने बोला कि स्नो मेल्ट हो रखी है तो मुश्किल है ट्यूबिंग, बट लोग लेके जा रहे हैं आइस स्केटिंग का सामान और स्लेज लेके जा रहे हैं। आई होप थोड़ी बहुत हो रही हो। और यहाँ पे ना आप बर्थडे पार्टी वगैरह हॉल बुक करके भी कर सकते हो, अगर आपको चिंगूजी पार्क में अगर सेलिब्रेशन करना है तो एक हॉल है। तो एक्चुअली में यहाँ पे स्कीइंग भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा स्नो पड़ी हुई है। ट्यूबिंग एंड स्कीइंग वगैरह अपनी लाके आप कर सकते हो। ये कह रहे हैं मैं पहली बार कनाडा में इतनी स्नो देखी है मैंने। बहुत बढ़िया स्नो है, पहली बार देखी है, लेकिन वो निकली आर्टिफिशियल होगी। मैं जब से कनाडा आई हूँ ना, मैं रोज सुबह उठती हूँ देखती हूँ आज स्नो स्टॉर्म होएगा, यहाँ तक बर्फ होएगी, बर्फ ही नहीं है इस बार। और एक्चुअली पहली बार हुआ है ना, आप पहले सालों से रह रहे हो, पहली बार ऐसा हुआ। इनके पैसे भी वेस्ट हो गए हैं, मेरा ट्रिप वेस्ट हो गया। क्योंकि बर्फ देखने आया था, यहाँ पे तो बर्फ है ही नहीं। आप कहोगे मैं $500 लगा के मैं शिमला चले जाता, वही चलो $500 लगा के शिमला चले जाता, वहाँ पे भी ठीक था। समर्स में क्या करोगे, ग्रीनरी गार्डन छोड़ो, बर्फ देखने आओ, बर्फ ही नहीं है। डेढ़ महीने में बर्फ ही नहीं था। ये वैसे होता ना कि मनाली नहीं, किधर वैष्णो देवी जाते हैं तो ऊपर ले जाते ना पटनी टॉप में थोड़ी सी बर्फ दिखती है। ये वो सीन हो गया, ओकविल में रह के ब्रैम्पटन में थोड़ी सी बर्फ देख लिया है। और अभी हम उससे पूछ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड वाला आ गया, कह रहा दिस इज क्लोज्ड, ट्यूबिंग होगी एक हफ्ते बाद जब स्नो पड़ेगी अच्छे से। ये तो बंद तो है, खुद के स्लेज लाओ, खुद के हाँ खुद के कर सकते हो और स्लिप हो जाओ। हाँ जी अंकल, ब्रैम्पटन आप पूरा दिन घूमे हो, खाया पिया, गुरुद्वारे गए, पार्क भी गए, कैसा लगा ओवरऑल? फिर आपने उसके बाद भी घूमे हो आप? बहुत अच्छा लगा। क्या सबसे बढ़िया क्या लगा, कुछ डिफरेंस लगा ओकविल से? कुछ डिफरेंट लगा ओकविल से? डिफरेंट लगा ओकविल से, अच्छा लगा। अच्छा ओकविल से अच्छा लगा, तो ठीक है ओकविल में। वहाँ पे क्या है, वहाँ पर क्या है, ओकविल से अच्छा लगा। सारे जो पंजाबी बंदे बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे, इधर जो है कम, दूसरे ज्यादा गोरे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और पंजाबी कम दिखाई। खाना भी बढ़िया वहाँ पे, खाना बहुत बढ़िया था, खाना तो टेस्टी था। रात को हमने फिश भी खाई, बहुत टेस्टी थी फिश। दिल्ली वाला खाना मिल जाएगा वहाँ? हाँ दिल्ली वाला खाना था, फील भी वही आ रहा था गाड़ी के ऊपर, बोनट के ऊपर रख के खा रहे फिश ठंड में, ठंड में, और ठंड का
असली है, थोड़ी थोड़ी डिजलिंग हो रही थी उसका। तो ये अब दोनों ब्रैम्पटन मूव होंगे, दोनों ओपन छोड़ के पापा को मजा जो आया है वो खाली ओपन एयर में गाड़ी के बाहर फिश खाने का मजा आया है, इसलिए उनको ब्रैम्पटन बहुत अच्छा लगने लगा है, बाकी पापा ने कोई ब्रैम्पटन देखा नहीं। और दूसरा पापा को ब्रैम्पटन में चल रहा था कि उनको बहुत लोग दिख रहे थे रोडों पे चलते हुए आते जाते हुए, इसलिए। और ओकुल में कोई दिखता नहीं है अभी, पापा ने गेड़ी रूट वगैरह वो सब प्लाजा में गए नहीं, वो रात को उधर जाते हैं तो फिर शायद नहीं अच्छा, फिर ये ज्यादा अच्छा लगता। तो ब्रैम्पटन के नाम पे पापा ने सिर्फ सब्जी मंडी देखी है, सब्जी मंडी, एक ग्रोसरी स्टोर देखा है और फूड लैंड देखा, खाना खाया बहुत सारा, और एक गुरुद्वारा पंगड़े वाली केड़ी जगह सी, नचदी जवानी, नचदी जवानी वो भी बहुत वधिया जगह लग रहा, नाम बहुत वधिया वधिया सी, एक कोई ट्यूबिंग पार्क जो हम गए थे वो उन्हें अच्छा लगा था, वो भी अच्छा कर नहीं पाया, वो नेक्स्ट टाइम उधर चलेंगे। ओवरऑल अच्छा है, फिर ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, डेढ़ महीना कैसे गुजर गया कोई पता नहीं लगा। क्या बात है।